उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आपके लिए क्या हूँ, मेरी बहन ने मुझसे रमज़ान में फरमाइश की थी कि चांपें कैसे बनती हैं, तो आज आपको बताएंगे। इन्हीं चांपों को आप रोज भी कर सकते हैं, आप इनको बारबेक्यू भी करें। मैं खैर ओवन में बनाऊँगी, तो आप इन्हीं को सीधा मसाले डालते हैं, आपका सीज़न आ गया गर्मी का, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी चीज़ बात शेयर करूँगी। हमेशा मुखलिस लोगों से रिश्ता जोड़ के रखो, क्योंकि वो लोग अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में आपके मुहाफिज होते हैं। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 8 से 9 चांपे हैं मेरे पास। देखें, इसको मैंने इस तरह से खुद कटवाया है कि ना ये बहुत पतली होंगी और ना ये बहुत मोटी होंगी। इनको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इनको बस मसाले लगाएँ और मज़े से चांपों को इंजॉय करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस, जो कि मैंने कम से कम 4 टेबलस्पून भर के यूज़ किया। 5 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक के पेस्ट यूज़ किया, ठीक है। 2.5 टेबलस्पून भर के मैं इसे योगर्ट डाल रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बस इसको जितना देर ज़्यादा मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही इसका मज़ा आएगा आपको। 2 टेबलस्पून भर के इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया मैंने। अब ये कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास, जिसमें सफ़ेद जीरा है 1 टेबलस्पून भर के, 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला, ये मेरे पास अजवाइन और सॉल्ट है 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट और 1 टेबलस्पून भर के अजवाइन है। अगर आपको सॉल्ट थोड़ा तेज़ अच्छा लगता है तो थोड़ा सा और डाल लें। ये मेरे पास है मीट टेंडराइजर, गोश्त गलाने का पाउडर, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून भर के यूज़ किया है। ये हमें इसमें लाजमी डालना होगा, क्योंकि अगर हम चांपों को बेक करें तो इसे चांपे अच्छे से गल जाएंगी हमारी। अब जनाब हमारे पास रह गया है टिक्का मसाला। कोई सा भी ब्रांड का टिक्का मसाला यूज़ कर लें, वो मैंने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है। अगर आपको मिर्चें कम पसंद है तो आप इसमें कम डालें। ये लीजिए, इतनी सी बात है। और इसमें थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा येलो कलर। ले जी, ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी मजे की चांपे रेडी। इसको मैं कम से कम 48 आवर्स के लिए रखूंगी अच्छे से मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा ये मैरिनेट होंगी उतने ही अच्छी ये बेक होंगी। इसमें से इस वक्त बहुत अच्छी लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जिस बहन ने मुझसे फरमाइश की थी बहुत स्पेशली, वो मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक करेंगी और ज़रूर देखेंगी। रमज़ान में मैं एक्चुअली में बिजी थी तो मैं उनको नहीं कर सकी, लेकिन मुझे सबके जो फरमाइशें हैं वो मैंने लिस्ट बनाई है। इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आप लोगों के साथ आपकी फरमाइशें शेयर करती जाऊँगी। देखिए मैंने कोशिश की है कि सबके ऊपर मसाला अच्छे से रच जाए। देखिए ये मेरे चांपों को बहुत अच्छे से मसाला मैरिनेट हो चुका है। इसको मैं आराम आराम से ट्रे पे रख के ओवन में बेक करने, ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर दिया अपना।
इस जो जॉब से इनको हम सर्व करेंगे, आप इनको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको सर्व करके दिखाऊंगी वो होंगी चॉप्स विद अरेबिक राइस, जो कि अक्सर आपने अरेबिक रेस्टोरेंट में चावल खाए होंगे, बहुत मज़े के चावल होते हैं, और विद वाइट सॉस। आज मैं आपको वो सिखाऊंगी इनके साथ, इनको हम सर्व उनके साथ करेंगे। वैसे आप इनको नान के साथ भी, दही की चटनी, पुदीने के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सर्व करके दिखाऊंगी। इनको हम फ्राइज सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी चाप है। अब जब भी चाप कटवाएं तो जरूर उसको बोलें कि हमें ना बहुत बड़ी काट के दें ना बहुत पतली। चाप की कटिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है, कटिंग चाप की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जनाब अब इसको मैं ओवन में रखूंगी और इंशाल्लाह आपको मैं सिखाती हूँ कि अरेबिक राइस कैसे हमने इसके साथ बेक हो गया है, प्री हीट हो गया है। अब इनको मैं बेक करने के लिए रखूंगी। चॉप को आपको बताया था कि राइस के साथ सर्व करना है, लेकिन कुछ शायद मेहमान हमारे जो है वो नान के साथ खाना पसंद करेंगे, इसलिए मैंने 2 कप बहुत अच्छे से बासमती राइस लिए हैं। इनको मैं भिगोने के लिए रख दूंगी और इंशाल्लाह आपको सिखाती हूँ अरेबिक स्टाइल के राइस विद वाइट सॉस जो हम के चॉप के साथ सर्व करेंगे वो कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने कुछ सैलेड बना के रख ली जो कि हम राइस के साथ सर्व करेंगे, राइस और चॉप्स के साथ। इसमें लेटस है, कुकम्बर है और थोड़े से टोमेटोज हैं, आपकी मर्जी, कुछ आप और भी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के लगते हैं इसके साथ। अब मैं आपको सिखाऊंगी वाइट सॉस कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने 1 कप भर के मेयोनीज का लिया है जिसको मैं डाल दूंगी। बहुत आसान है वाइट सॉस बनानी, आप लोग जरूर ट्राई करें। इसमें कम से कम 7 से 8 शू मेरे पास जो है वो लहसुन के हैं, साबुत ही है, मैंने ऐसे ही डाल दी है। थोड़े से मेरे पास तेल है, 1/2 स्पून, 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून लेमन है मेरे पास, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया है। बस अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। मजे की वाइट सॉस रेडी है। इसके 2-3 बस स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह आप उसको फॉलो करते जाएं, आपके मजे के चॉप विद राइस रेडी है। जो मैंने आपको नान सिखाए थे आप वो नान भी बना सकते हैं इसके साथ, अपनी चॉप्स के साथ, और लेकिन मैं इसको राइस से सर्व करूंगी विद सैलेड एंड विद फ्राइज। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको अब दिखाते हैं कि चावल कैसे बना। हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, देखिए बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत अच्छे गल गई हैं। अब इसको मैं एक और अच्छा सा कलर देने के लिए फ्राई पैन में कुछ ऑयल डाला है मैंने, अब इसको मैं हल्का हल्का सा रोस्ट करूँगी, बस हल्के से ऑयल में, और हमारी चॉप्स पे अब मैं इनको हल्के हल्के ऑयल में बस हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज करना है। देखिए पूरी की पूरी चॉप हमारी वैसे की वैसी है, और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे किसी ट्रे में। आप जरूर बनाएं, बड़ी मजे की स्पेशल सी चीज है। आंख हमने तेजी नहीं देनी है, ये देखें इसका रंग कितना अच्छे से चेंज हो रहा है। इसको बस हमने बहुत ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी गली नहीं है, बस थोड़ी सी इसकी शक्ल देने के लिए इसको मैं हल्की सी ब्राउनिश की शक्ल आ जाए, मैं इसको बस हल्का सा फ्राई कर रही हूँ बहुत कम ऑयल में। आपको नहीं करो फ्राई करना आप नहीं भी कर सकते, आप इनको और अच्छे से बेक कर लें, थोड़ी देर और बेक करने रख दें। तो हमारे मजे की चॉप्स रेडी हैं, अब इंशाल्लाह बस चावल रह गए हैं। चलो मैं दिखाती हूँ अरेबिक स्टाइल के चावल कैसे बनाते हैं और फिर हम इनको सर्व करेंगे। आपको बहुत इजी है, झटपट क्विक में अरेबिक राइस सिखाऊंगी, कुछ भी नहीं मुश्किल, कुछ भी नहीं मुश्किल। बहुत से लोग समझते हैं अरेबिक राइस बनाने बहुत मुश्किल है, ये मैं अरेबिक प्लेन राइस सिखा रही हूँ आपको। ऑयल मैंने डाल दिया 1/4 कप, कम से कम इसमें 3 टेबल स्पून भर के मैंने फ्राइड अनियन के डाले। अगर आपको फ्राइड अनियन नहीं है तो आप दूसरा अनियन भी डाल के उसको ब्राउन कर सकते हैं, बस ये भी हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड करेंगे चीनी 1 चम्मच भर के,
इसमें 1/4 हल्दी है और थोड़ा सा मेरा पासपे दी रहा जो कि छुप गया चीनी के अंदर, और इसमें 1 टेबलस्पून हल्की सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं और आपकी प्लेन अरेबिक राइस रेडी हो जाएंगे। बस दिखाती हूँ आपको मैं साथ साथ, जो कि मिलता हो जाएगा और हमारा ऑलरेडी जो है वो फ्राई हुआ है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके ऊपर। यहाँ से हल्का सा और मुझे लगेगा फ्राई हो गया है, तो मैं इस पे पानी डाल के इस पर ढक्कन दे दूंगी ताकि प्याज का जो अपना कलर है वो आ जाए। देखिए इतना अच्छा प्याज का अपने नाम बना है, इसमें चीनी की तिलचिरा और हल्दी ऐड करते हैं। साथ में नमक डाल दूंगी। तिलचिरा आपकी मर्जी है, वो लोग यूज नहीं करते लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। ये देखिए कलर से अच्छा हो गया। अब इसमें भी 2.5 कप पानी ऐड करूंगी क्योंकि 2 कप चावल थे मेरे पास। पानी आप लोग खुद से देख लें, आप लोग डिपेंड करते हैं चावलों के ऊपर, हर किसी के चावल का अपनी आइडिया होता है, अपनी क्वांटिटी होती है कि कितना वो पानी देता है। ठीक है, जो मेरे पास चावल है वो बासमती राइस है, 2 कप चावल थे, मैं 2.5 कप उसमें पानी ऐड किया। अब ये बॉयल होने दूंगी, जैसे ये बॉयल होंगे तो इसको मैं पका के आपको दिखाती हूँ आगे के कर। हमारा बॉयल हो गया है, अब इसमें मैंने चावल डाल दिए जो कि मैंने पहले से अच्छे से भिगो के रख दिए थे। लें जनाब, इतनी सी बात है, आपके मजे के चावल भी रेडी हो जाएंगे। मैं इसको जो दम है वो ओवन में देती हूँ, मुझे ओवन में कंफर्टेबल लगता है। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप इसको तवे पे भी दम दे सकते हैं। तो जनाब जैसे हमारे चावल रेडी होंगे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है विद चॉप्स। तो चावल मैंने अपनी ट्रे में, मैंने कहा आपको प्रेजेंटेशन दिखा दो इसकी, मैंने अच्छे से खा लिया है बड़ा सा, उसके मैंने अंदर चावल रख दिए। इसको साइड से हम इस तरह जो अपनी चॉप्स हैं मज़े मज़े की उसके ऊपर हम ऐसे डाल देंगे। देखिए चॉप्स हमने इतने अच्छे से बेक किए हैं कि बिल्कुल हमारी चॉप्स टूटी नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक तरफ मैं थोड़े से फ्राइज रख दूंगी। खाते भी थे, इसकी एक साइड पे मैं वो रख दूंगी। इसका बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन होता है जो रैपिड डिश होती है, इसके साथ लेटिस के साथ, कुकम्बर के साथ। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये चॉप्स कैसी लगी। और इसके साथ हम ये जो वाइट सॉस बनाई है इसको भी हम सर्व करेंगे इसके साथ। जनाब हमारे मज़े के चॉप्स विद राइस सर्विंग के साथ रेडी हैं, विद सैलेड, विद फ्राइज, और कुछ स्प्रिंग ग्रीन अनियन है मेरे पास, स्प्रिंग अनियन मैंने वो डाल दी है इसके ऊपर। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।